एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज, मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा मुख्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की सरकार में किसान और नौजवान सभी परेशान हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े लेते हुए कहा, वो कहते हैं कि सपा सरकार चीनी मिलों को बेच देना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लोगों की नौकरियां चली गई और ये तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए हैं जिससे कि कृषि पर से कुछ उद्योग घरानों का नियंत्रण स्थापित हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। उन्होंने कहा कि रोजगार खत्म हो गया, अपराध कम नहीं हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है, बलात्कार, हत्या, लूट और न जाने ऐसी कितनी वारदातें एक के बाद एक होती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने आप में ही मस्त दिखाई दे रही है। अभी हाल की घटनाओं पर उन्होंने जिक्र किया कि उन्नाव के बबुरा गाँव में जिस तरह से तीन लड़कियों के साथ में जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उनको जहर दिया गया, कानून व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, पटरी से उतर चुकी है, पुलिस का भी फेल्योर बार बार सामने आ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाते चले आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ शिलान्यास पर शिलान्यास और ऐसे तमाम काम करती चली आ रही जो पूर्व की सरकारों ने किए थे और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक अपराध प्रदेश बनता जा रहा है, बलात्कार प्रदेश बनता जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि पंचायती चुनावों में अब समय नहीं बचा है और इसके साथ ही साथ आगामी 2022 के विधानसभाओं को लेकर विपक्षी दलों में भी अब सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज सपा मुख्यालय पर प्रदेश के सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले, लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनके गाड़ियां खत्म कर दें, 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा के सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं, बताइए ये भाषा इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है, वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता के लिए MSP की जो बात की जा रही है, उस MSP को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ ये सदन में कहा गया, कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि MSP दी गई है, कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की MSP मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए, इसलिए कानून बने हैं।